जय माता लक्ष्मी, जय हो माँ लक्ष्मी माता, जय विष्णु माँ। तो ये फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। तो आज है दीपावली और आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को, मेरे फ्रेंडों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर घर की डेकोरेशन में लगी हुई थी थोड़ी बहुत जो भी है, और आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बेसन के ब्रेड पकौड़े ही बना रही थी और भी कई चीज़ें बनाई हैं। तो खाने में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाया था मैंने, बस थोड़ा बहुत ही दिखा पाई थी। लेकिन ये है मॉर्निंग का टाइम है, अभी 11-12 बजे का टाइम है। ये मॉर्निंग का भी कह लो या फिर दोपहर का बोल लो। तो पूजा वगैरह हो गई है सब और शाम की पूजा होनी बाकी है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रीन वाला सूट पहन लिया है और यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो पति को लग रही थी भूख, तो और बच्चे को भी। और जो अज्ञा वाली पूजा होती है वो मैं कर चुकी थी मॉर्निंग में ही। तो बेसन मैंने घोल कर रख लिया है और उसके बाद मैं ब्रेड पकौड़े सेक लूँगी। और घर की साज सजावट में ये कम करने में वो करने में बहुत, मतलब दीपावली का बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई होती है हमारे घर की, और साफ़ सफाई तो कई दिन पहले हो चुकी है लेकिन अब रह गया है थोड़ा सा डेकोरेटर। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सारा काम हो चुका है। तो कर लेते हैं तैयारी और मैं सीख लेती हूँ खाने पीने के लिए कुछ। फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े तैयार हो चुके हैं और चाय भी तैयार है। तो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं। मॉर्निंग की पूजा पाठ सब हो चुका है और यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ अपने कमरे की तैयारी में और पूजा की तैयारी में लग गई थी। तो इवनिंग का है, बीच में कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं इवनिंग में ही वीडियो बना रही थी फ्रेंड्स। और पूजा की चौकी लगा ली है और तैयारी कर रही हूँ मैं पूजा की, और सारा मतलब मूर्ति वगैरह सब कुछ मैंने लगा लिया है, फल फ्रूट और सभी रख लिया है जो भी मुझे चाहिए पूजा में, सब कुछ कर लिया है। तो अब हम करेंगे पूजा। और ये मिठाई का डिब्बा है, और किस किस ने किस किस टाइम करी पूजा,
हमने तो जल्दी ही कर ली थी, जिस टाइम करनी होती है हमने करी थी 7 से 8 के बीच में पूजा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी हमारी पूजा। और अब के बहुत ज़्यादा चक्कर हो गया था, दीपावली के बाद जो है मावस थी, और 24 तारीख की दीपावली थी, 25 तारीख को जो है अमावस थी, तो बहुत ज़्यादा चक्कर सा बन गया था इस बात का तो। पर कोई नहीं, सब ठीक है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है। और यहाँ पर पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है, तो मैं और पूजा में क्या क्या चाहिए था वो मैंने पहले ही रख लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडिक सा दिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीजी दिन हो जाता है दीपावली वाला दिन। मॉर्निंग से लेकर रात तक 10-11-12 बजे तक बिल्कुल भी मतलब चैन नहीं मिलता है, ये करना वो करना, घर की डेकोरेशन देखना और साफ सफाई देखना और पूजा पाठ, मतलब सारे काम इसमें देखने पड़ते हैं हमको। और बस इसी में टाइम पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। मंडे का दिन था, मेरा फर्स्ट था, तो पूरा दिन कैसे चला गया पता ही नहीं चला है। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है फ़ोन पकड़ कर बैठी है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हिला रही है, और थोड़ा फास्ट वीडियो करने की वजह से ये हिल मतलब हिला हुआ ज़रा दिख रहा है फ्रेंड्स। और मैंने ये येलो साड़ी पहनी थी, बहुत ही सादा सिंपल सी साड़ी थी पूजा पाठ के लिए, तो मैंने आज ही निकाली थी ये साड़ी, और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ये साड़ी, तो ये मैंने डाल ली थी। ब्लाउज नहीं था बट इसके साथ का, लेकिन कोई नहीं, मैंने दूसरी मैचिंग का रखा था, मैंने वो वाला डाल लिया। और यहाँ पर मैं जो है चौकी पर जो है मतलब सारी सामग्री जो है लगा रही हूँ, और लगा कर जब आपको दिखाती हूँ। और पूजा हम जो है ये टाइम हो रहा है 7 बजे का, तो मैं 7 बजे लग गई थी अपनी पूजा की तैयारियों में, क्योंकि थोड़ा टाइम था। जैसे शुभ मुहूर्त तो कई थे, लेकिन हमने जो सबसे पहला शुभ मुहूर्त था हमने उसमें पूजा करी थी, 7 से 8, 8:15 तक का था शुभ मुहूर्त जो होता है, तो हमने उसी में तैयारी करी थी। और यहाँ ऊपर का डेकोरेट देख लीजिए मंदिर का मेरे, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था डेकोरेट करके मंदिर। और यहाँ चौकी भी हो चुकी है, दिया लगा लिए हैं दोनों तरह के, घी के और तेल के, दोनों के लगाए हैं। और सरसों के तेल का घिया जलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो जला लिया है सबसे बड़ा दिया। यहाँ पर कर लेते हैं पूजा थोड़ी देर में, और बच्चों को भी तैयार कर दिया है मैंने पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तिलक कर देती हूँ सबके। और मेरी फ्रेंड्स बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं, कभी डालती हूँ, कम हफ्ते में एक बार एक ही वीडियो आ पा रहे हैं, मतलब वीडियो में बनाने का कुछ इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है, और कुछ काम में भी बिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और जो काम में बिजी हो रहे हैं तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती ना डाल पाती हूँ। तो ये मैंने दीपावली की पूजा का और दीपावली का वीडियो डाला था, तो बस वही वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा पूरी, और आरती करनी है, और आरती करने के बाद छत पर जाएंगे पटाखे, थोड़े से पटाखे चढ़ाने की चटकाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं खाना पीना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आरती वारती सब करने लग गई थी, माता रानी की आरती भी करने लगी थी। पहले वो आरती जो है शुरुआत कई बार करती थी, लेकिन जो है पूजा पूरी अभी हमारी नहीं होती, अभी मैं भोग लगा रही थी भगवान जी को, और उसके बाद ही मैं आरती करूँगी थोड़ी देर में। और इसी तरह से हमने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करी थी, दीपावली की पूजा की थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। आपने कैसी रहा आपका दीपावली का त्यौहार, प्लीज़ बताइएगा।
और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप भी भोग लगा दीजिए अपने हाथों से, तो बस वही बोल रही थी मैं। और उसके बाद हम छत पर जाएंगे कुछ दिए जलाने के लिए और मोमबत्तियाँ जलाने के लिए, और तुलसा जी के बाद दिया जलाना है। तो छत पर चलते हैं थोड़ी देर में, और बाहर की लाइट आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए छत पर हम आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। देखे दिए जल रहे हैं, खोल दे खोल दे, वो वाला भी जला दो, एक बुझा दिया है ना, जला दो। देखो देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, और आपके लिए सभी के लिए हैप्पी दीपावली, और सभी के घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। और यहाँ देखिए मेरी पूजा हो चुकी है, यहाँ पर ये देखिए पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया है, और मैंने अपना घर आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर मैं चेंज करने के लिए जा रही थी फ्रेंड्स, उससे पहले सोचा मैंने आपको मैया रानी के चौकी के दर्शन करा दूँ, और जय हो माँ लक्ष्मी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और ने झाड़ू भी की पूजा करी थी, और इस तरह से मैंने चौकी लगाई थी। और कैसा रहा आपका दीपावली का पूजन प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ मेरा ऊपर का जो मंदिर है ये वो है, तो ये कैसा लग रहा है? लाइट्स लगाई थी मैंने थोड़ी सी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब करके। और ये देखिए इस तरह से है मेरी पूजा घर। और यहाँ पर ये मैंने बेडशीट बिछाई थी, जो मैंने हाथों से कढ़ाई करी थी मैंने इस वाली बेडशीट पर। और ये वाले सोफे कवर है, और ये अभी मैं कुछ दिन पहले लेकर आई थी। और ये देखिए ये 12-13 साल पुरानी चादर है, बेडशीट है, जो मैंने अपने हाथों से शादी से पहले कढ़ाई करी थी। और कैसा लग रहा है मेरा घर प्लीज़ बताइएगा। इस तरह से मैंने डेकोरेट करा था, और ये कैमरा जो है ज़्यादा कुछ छीन रहा था, और बस यहीं तक था ये मेरा वीडियो। मैंने सोचा अब 10 बज चुके हैं, तो खाना पीना भी देखना है अभी, तो मैंने सोचा आपको भी मतलब पूरा घर दिखा देती हूँ, मैं कमरा दिखा देती हूँ। तो मैं लास्ट में जो है आज ऑर्डर रही थी माता रानी के, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड चलिए आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे बाहर का मेन गेट का, ये है गेट, थोड़े वाले स्वीट लगाई है, साथे काड़ा था, ये है किचन। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरे तक का था, और उसके बाद मुझे खाना पीना भी देखना था। तो मिलते हैं नए से और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय, हैप्पी दिवाली।